नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नेपाल में जहां ढाक के तीन पात है, वहीं भारत और नेपाल के रिश्ते भी ठहरे हुए हैं। संसद में नेपाल को लेकर जो कहा सुना गया, उसमें भारत की रीति नीति को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कायदे से रखा है। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने घेराबंदी करा रहा है और न दादागिरी। घेरेबंदी मदेशियों की है। भारत ने अपनी तरफ से नेपाल को हर तरह की मदद के लिए कहा हुआ है। नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा से विदेश मंत्री ने बात की तो मदेशी नेताओं ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से बात की। भारत ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री को प्रस्ताव दिया हुआ है कि नेपाली नागरिकों के लिए जितनी दवाइयां चाहिए वह भारत से मंगा ले, उसके खर्च और जहाज से उन्हें भिजवाने का बंदोबस्त भी भारत करेगा। जाहिर है भारत ने नेपाल के संकट में सम्यक और तटस्थ नीति बनाई हुई है। बावजूद इसके नेपाल नीति को लेकर विवाद भी है। शक नहीं कि भारत की नेपाल नीति में इधर कई खामियां रही, लेकिन नेपाल ने जबरदस्ती भारत को दोषी बनाने के कम काम नहीं किए। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत पर हमला बोला, भारत के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे खोले। नेपाल के नेताओं ने खुद अंदरूनी संकट पैदा किया और ठीकरा भारत पर फोड़ा। बहरहाल भारत नेपाल नौटंकी अब लंबी खिंच गई है। नेपाल के पहाड़ी और मधेशी दोनों लोग काफी तंग आए हुए हैं। नेपाली नेताओं को संविधान संशोधन करके मधेशियों का गुस्सा दूर करना चाहिए तो मधेशियों को भी मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो नई नियुक्तियां हो रही हैं, उन पर बिहार के नतीजों का असर दिख रहा है। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि जनवरी फरवरी में पार्टी के प्रदेश संगठनों में बदलाव होगा और वहां भी असम, पश्चिम बंगाल और केरल की तरह जमीन से जुड़े नेताओं को तरजीह दी जाएगी। भाजपा ने इन तीनों राज्यों में बिहार के नतीजों के बाद अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। तमाम अटकलों को दरकिनार करके फिल्म अभिनेत्री रूपा गांगुली की बजाय संघ से जुड़े रहे दिलीप घोष को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह दिल्ली में संघ के मुखपत्र और ऑर्गेनाइजर के संपादक रहे आर बाल शंकर की बजाय केरल में मंदिर बचाओ आंदोलन चलाने वाले राजशेखरन को अध्यक्ष बनाया गया। असम में भी जमीनी स्तर से जुड़े रहे सर्बानंद सोनोवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। इन तीनों नियुक्तियों में पार्टी ने जमीनी समीकरणों का ध्यान रखा। उसी तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और झारखंड में नए अध्यक्षों की नियुक्ति में जमीनी समीकरण और नेता के चेहरे का ध्यान रखा जाएगा। झारखंड में चूंकि गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसलिए किसी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा किसी पिछड़े नेता को कमान देगी और इसके लिए तीन नामों की छटनी हो गई है। बिहार में अति पिछड़ा को विधायक दल का नेता बनाने के बाद इस बात की जद्दोजहद है कि संगठन की कमान किसी सवर्ण को मिले या दलित को। दिल्ली में भी पार्टी अपने कोर वोट का ध्यान रखते हुए नया अध्यक्ष नियुक्त करेगा। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कई बातों को लेकर बड़ी चिंता है। एक चिंता आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा की लड़ाई से है तो दूसरी चिंता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने की चर्चाओं से है। कांग्रेस नेता इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर अगले साल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतती हैं तो वे भी दावेदार होंगी और उसके अगले साल मायावती भी दावेदार हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उनको इन तमाम प्रादेशिक क्षत्रपों के आपसी झगड़े से उम्मीद है कि इनके बीच कोई सर्वसम्मत पीएम का दावेदार नहीं बन पाएगा। जिस तरह से राजद नेताओं ने नीतीश कुमार की दावेदारी को लेकर अभी सवाल उठा दिया, उससे भी कांग्रेस नेताओं को हौसला मिला है। हालांकि अब भी वे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री को लेकर चिंता में हैं। तभी कांग्रेस को मुख्य विपक्षी ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश तेज हो गई है ताकि राहुल गांधी की दावेदारी स्वाभाविक रूप से बने। पार्टी की एक रणनीतिक बैठक में तय हुआ कि वह विपक्ष का स्पेस आम आदमी पार्टी, लेफ्ट या ममता बनर्जी के लिए नहीं छोड़ सकती है। इसके बाद ही डीडीसीए मामले में अरुण जेटली पर लगाए गए आरोपों को जोर शोर से उठाकर उनका इस्तीफा मांगने का फैसला हुआ। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने तमाम क्षत्रपों के समर्थन के बावजूद जीएसटी बिल को रुकवाया। आगे भी कांग्रेस इसी रणनीति पर चलेगी।
दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि चप्पे चप्पे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जासूस फैले हैं, जो उनको ये बताते हैं कि उनके बारे में नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, या मोदी की सरकार ने सीबीआई को क्या निर्देश दिया है, या ये बताते हैं कि कैसे सारे मीडिया समूहों के मालिकों ने पत्रकारों को केजरीवाल को निशाना बनाने का निर्देश दिया है। दिल्ली के राजनीतिक हलके में हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर भाजपा का कौन नेता अरविंद केजरीवाल से प्राइवेट बात करता है और ये बताता है कि उनका नाम सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खून खौलने लगता है। केजरीवाल ने ये दावा मंगलवार को विधानसभा में खड़े होकर किया कि निजी बातचीत में उनको भाजपा के नेताओं ने बताया है कि उनका नाम सुनकर मोदी बेचैन हो जाते हैं। इसी तरह केजरीवाल ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर सीबीआई के छापे के बाद कहा कि सीबीआई के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो विपक्षी नेताओं पर चुन चुन कर कार्रवाई करे और उनको खत्म कर दे। इस पर सीबीआई ने उनसे उस अधिकारी का नाम पूछा है जिसने उन्हें ये सनसनीखेज जानकारी दी है। इसी तरह मीडिया के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस पत्रकार ने निजी बातचीत में केजरीवाल को बताया कि सारे मालिक बिके हुए हैं और उन्होंने उनको निशाना बनाने का निर्देश दिया है। केजरीवाल ने कुछ समय पहले ये दावा किया था, अब बस न्यायपालिका बाकी है जिसके बारे में वे ऐसा कोई दावा करेंगे। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की लगातार अगुवाई कर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को अपने सांसदों की मोदी विरोधी नारेबाजी रुकवा दी। लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तभी सोनिया गांधी ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सोनिया ने कहा कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी करें, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का नाम न ले। जिस समय सोनिया ने अपने सांसदों को रोका उस समय मोदी भी सदन में मौजूद थे। बाद में वे रूस की यात्रा पर रवाना हो गए। है कि कांग्रेस की सांसद पिछले कई दिनों से डीडीसीए में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही हैं और वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब उनकी पार्टी के एक और सांसद ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। पटना साहिब के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों इशारों में उन्हें इस्तीफा देने की नसीहत भी दी है और डीडीसीए के घोटाले का खुलासा कर रहे कीर्ति आजाद का समर्थन किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट करके कहा है कि जेटली को अपना मामला राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, उनको लालकृष्ण आडवाणी के रास्ते पर चलना चाहिए। गौरतलब है कि मोदी ने कल कहा था कि जिस तरह से हवाला मामले में आडवाणी बेदाग होकर निकले थे, उसी तरह से जेटली भी बेदाग निकलेंगे। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बयान का मतलब ये है कि जेटली को भी आडवाणी की तरह इस्तीफा देना चाहिए। बहरहाल इस बात का जिक्र करके सिन्हा ने जेटली के इस्तीफे की परोक्ष रूप से मांग की है। उन्होंने जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कीर्ति आजाद की तरफदारी करते हुए कहा है कि आजाद आज के हीरो हैं। उन्होंने लोगों को उनका समर्थन करने की अपील करते हुए कहा है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला किया है। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र अमेठी में आज कहा कि मोदी ने सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे किए और वे देश के लिए बुरे दिन लेकर आए हैं। गौरतलब है कि मोदी ने चुनाव में अच्छे दिन लाने का वादा किया था। अमेठी जाने के रास्ते में फुर्सतगंज में राहुल गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, किसान और आम आदमी बुरी तरह परेशान है। उन्होंने कहा कि जनता के तो नहीं आए, लेकिन नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आ गए। राहुल ने ये भी कहा कि भाजपा के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस ही मजबूती से लड़ सकती है। राहुल गांधी दो दिन के अमेठी दौरे पर हैं। डीडीसीए घोटाले के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके आवास के नजदीक प्रदर्शन किया। आपके कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा और पानी की बौछार करनी पड़ी। बाद में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 26 दिसंबर को पार्टी देश के हर जिले में इसी तरह प्रदर्शन करेगी। आप नेता और कार्यकर्ता रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन के पास इकट्ठा हुए थे और जेटली के कृष्ण मेनन मार्ग स्थित घर की ओर बढ़ रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। दिल्ली में बीएसएफ के विमान की दुर्घटना में मारे गए जवानों और दूसरे कर्मचारियों को आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। सफदरजंग हवाई अड्डे पर हुई श्रद्धांजलि सभा में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी मौजूद थे। इस दौरान मारे गए जवानों के परिजनों ने पुराने विमान के इस्तेमाल पर सवाल भी उठाए। विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले सभी जवानों के शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने बीएसएफ फंड से सभी परिवारों को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कुछ विरोधी नेताओं ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ मधेसी नेताओं की भेंट को भी अनुचित बताया। भला इसमें अनुचित क्या है,
यदि तथाकथित घेराबंदी को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा दिल्ली आकर हमारी विदेश मंत्री से बात कर सकते हैं तो मधेशी नेता क्यों नहीं कर सकते। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। भारत के पड़ोसी और खुली सीमा वाले एकमात्र देश नेपाल का संकट अब सुलझने के आसार दिखने लगे हैं। नेपाल सरकार ने अपना रुख लचीला किया है। सरकार ने संविधान में दो अहम बदलाव की मंजूरी दी है और दूसरी ओर पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रही चारों मधेशी पार्टियों के नेताओं ने भी रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। भारत सरकार ने नेपाल के बदले रुख का स्वागत किया है और माना जा रहा है कि वह मधेशी नेताओं को भी इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश करेगी कि वह नेपाल सरकार के साथ आमने सामने की बातचीत करें और मामले को खत्म करें। असल में नेपाल का एक आंतरिक संकट भारत और नेपाल के विवाद में तब्दील हो गया है और ऐसा होने के ऐतिहासिक कारण है। पिछले कई सालों से भारत और नेपाल के रिश्ते सहज नहीं है, खासकर राजशाही खत्म होने के बाद से। नेपाल में यह माना जाता है कि भारत राजशाही का समर्थक रहा है, इसलिए वहाँ के नए निजाम और आवाम दोनों में भारत विरोधी भावना बैठती गई। वहीं भारतीय मूल के लोगों को परेशान किया जाने लगा, हिंदी फिल्मों पर पाबंदी लग गई और नए हुक्मरानों ने पाकिस्तान चीन जैसे देशों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। पिछले करीब डेढ़ दशक में नेपाल में हालात लगभग पूरी तरह से भारत विरोधी हो गए। तभी जब वहां का नया संविधान बना और उसमें भारतीय मूल के मधेशी नागरिकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रावधान किया गया तो पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। चार मधेशी पार्टियों ने मोर्चा बनाकर भारत की सीमा पर नाकेबंदी कर दी। इससे नेपाल की लाइफ लाइन बंद हो गई। नेपाल के लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर हैं, लेकिन मधेशियों की नाकेबंदी के कारण जरूरी सामानों से लदे हजारों ट्रक भारत नेपाल की सीमा पर अटक गए। जरूरी चीजें नेपाल नहीं पहुंची तो वहां इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। पेट्रोल से लेकर नमक और तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। अब कायदे से देखें तो यह नेपाल का आंतरिक संकट है जो मधेशी नागरिकों के अधिकार की मांग से जुड़ा है, लेकिन नेपाल सरकार और वहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत सरकार ने नए बने संविधान की 7 खामियों के बारे में वहाँ की सरकार को आगाह किया और इसे ठीक करने को कहा था, इस वजह से भारत को भी एक पार्टी मान लिया गया। इस मसले पर बातचीत के लिए दोनों पक्ष भारत आए और भारत ने उन्हें आपसी बातचीत में मामला सुलझाने की नसीहत दी। अब नेपाल ने संविधान में बदलाव करके हर क्षेत्र में मधेशियों को आबादी के अनुपात में जगह देने की हामी भरी है और राज्यों की सीमा का पुनर्निर्धारण करने की भी मंजूरी दी है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब जल्द ही मामला सुलझ जाएगा। हालांकि मधेशी पार्टियों ने 2 संशोधन के फॉर्मूले को नहीं माना है और उनका कहना है कि यह बहुत अस्पष्ट है और कम है। इसके बावजूद भारत ने इसका स्वागत किया है और माना जा रहा है कि इन 2 बदलावों के बहाने बातचीत आगे बढ़ेगी। अगर मधेशी नेता आंदोलन जारी रखते हुए नाकेबंदी खत्म करें तो जरूरी चीजें नेपाल पहुंचने लगेंगी और इसके बाद भारत और भारतीय मूल के लोगों के प्रति सद्भाव बनाने में मदद मिलेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद नेपाल के हालातों पर चर्चा करेंगे। नेपाल के नए संविधान में देश के नागरिकों के बीच भेद करने पक्षपात के प्रावधान आए हैं। इसे नेपाली नेताओं को अब स्वीकार लेना चाहिए। संविधान में संशोधन कर उसे सभी नागरिकों में सर्वमान्य बनाने से ही राष्ट्र राज्य आगे बढ़ सकेगा। सवाल है, क्या नेपाली नेता ऐसा सोचते लगते हैं या नहीं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, नेपाल की जमीनी हकीकत में कुछ हालात सुधरते हुए वहाँ के नेता और मधेशी आंदोलनकारी ये कुछ अपने रुख में बदलाव लाते हुए नजर आते हैं? आना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ब्यास जी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सकारात्मक रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि 5-6 महीने हो गए। हाँ, 5-6 महीने हो गए पूरा, मतलब वहाँ हर तरह की परेशानी बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, दोनों तरफ से बढ़ रही है, मतलब हमारे लिए भी बढ़ रही है। चूंकि देखिए, नेपाल का जो तराई का हिस्सा है जिसको आप मधेश कहते हैं या मधेशी लोग जो हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश और थोड़ा बहुत उत्तराखंड के इलाकों से लगे हुए हैं हमारे, तो उनका आना जाना, चूंकि हमारी वो बाउंड्री कोई ये नहीं है, वो तो खुली हुई है तो आना जाना, खाना पीना, बिजनेस व्यापार सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, वहाँ करता है।
और सारा का सारा वो चौपट हो पड़ा हुआ है। देखिए कुछ बातें हो सकती हैं दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं, दोनों अतिवादी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन भारत की मध्यस्थता से, क्योंकि विदेशी नेता भी सुषमा स्वराज से मिले और विदेश मंत्री भी मिल रहे हैं, तो भारत संपर्क संपर्क का कुछ असर हो रहा है इसमें। भारत को मतलब मध्यस्थ मत कहें आप, क्योंकि मध्यस्थ नहीं हो सकता है, अपने यहाँ नहीं चाहते किसी को मध्यस्थ बनाना, कश्मीर के मामले में नहीं चाहते, तो हम क्यों बने। लेकिन एक बड़े भाई के रूप में सुझाव दे सकते हैं दोनों को मिलकर के, भाई आपस में आप लोग बैठ के तय कर लीजिए। हमारे लिए बहुत चिंता की बात है, मतलब सिर्फ नेपाल हमारा एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि वो जो सीमा जिस जंग से सांस्कृतिक संबंध है, सदियों से हमारे रिश्ते बने रहे हैं, और हम लगातार हमारा वो रहा है दोस्त मित्र अभी भी है, लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी बदल रही है। जिस जंग से चीन का दखल बढ़ रहा है, चीन की घुसपैठ उस तरह से संबंधों को लेकर के नेपाल की तरफ बढ़ रही है, और पहले से भी आपको पता है कि पाकिस्तान की ISI का भी एक नेटवर्क नेपाल में रहा है, हमारा इंडिया एयरलाइंस का विमान वहीं से अपहरित हुआ था, हमारी करेंसी आज 500 और 1000 के नोट वहां चलते नहीं, क्योंकि नकली नोटों की सप्लाई बहुत सारी आती है वहां से उसी तरफ से। तो ये सारे इश्यूज हैं, हमको उस पर कहीं ना कहीं तो सोचना ही पड़ेगा। और दूसरा जो मधेसी है उनकी चिंताएं हैं, वो वाजिब है, मतलब वो उनकी मांग भी वाजिब है एक हिसाब से, एक हिसाब से है, हालांकि एक हिसाब से थोड़ा अपने अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो थोड़ा गलत भी लगता है, जैसे वो कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संसद में, तो अब हमारे यहाँ भी देखिए, अब लक्षद्वीप है वहाँ तो 49,000 पे एक सांसद होता है, बाकी क्षेत्रों में हम 15 लाख पे भी चुनते हैं, व्यवहारिक उतना तो नहीं, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं लोग उनको नागरिकता तो मिलनी चाहिए, और भारत से उनका रोटी बेटी का नेपाल का रिश्ता है, तो मान लीजिए किसी लड़की की शादी अगर भारत की बिहार या उत्तर प्रदेश की किसी लड़की की शादी अगर किसी मधेसी परिवार में होती है नेपाल तो उसको नेपाल में तो उसको नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी, या उसको वही अधिकार क्यों नहीं मिलेंगे, या उसका जो जनित बच्चा होगा, ये तो इस संविधान में जो उन्होंने कर दिया है वो ये कर दिया कि नहीं उसको तो उन्होंने प्रोसेस नागरिकता का ही मामला उसमें कर दिया। मतलब आप सोचिए कि 1.25 करोड़ की आबादी है मधेसी लोगों की, उसमें 51 लाख लोगों को नागरिकता अभी भी नहीं है, वैध नागरिकता अभी भी नहीं मिली हुई है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, ठीक है उसमें समय लग सकता है, लेकिन जब आपने संविधान में इस तरह के संशोधन कर दिए कि अगर किसी भारत की लड़की से शादी हुआ तो उसको नहीं मिलेगा, या उसे बच्चा पैदा होगा तो उसको वो सारे अधिकार नहीं मिलेंगे, या संवैधानिक पदों पर नियुक्ति में इनको तरजीह नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगा मौका, तो ये सब बातें तो आप नहीं सोच सकते। आज की दुनिया में जब सारे लोग भारत के लोग जाकर के कहीं मॉरिशस में, कहीं गुयाना में, लंदन में हो जा रहे हैं, या अमेरिका में हो रहे हैं, प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आप ऐसा कैसे मना कर सकते, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उस पर कहीं हमको एक बड़े भाई के तौर पर भी, दादा के रूप में नहीं, नहीं नहीं, इस पर जो राज्यसभा के अंदर और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो बहस में देते हुए जिस तरह का जो कुछ कहा, उससे क्या लगता है कि भारत की नीति सचमुच में समझाने वाली है और उस समझ का असर हो रहा है, या नेपाल में काठमांडू के लोग उसको शक की निगाह से देख रहे हैं? नहीं, अभी तक जो संकेत आ रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको कोई समझ में आ रहा है। हालांकि सुषमा स्वराज ने बार बार साफ करने की कोशिश की कि जो नाकेबंदी है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि जो लग रहा है, जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसे कहीं ना कहीं, चूंकि देखिए नेपाल जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो उसका तो हमको ख्याल रखना होगा। अब चाहे वो मधेसी आंदोलन के चलते हो रहा हो, चाहे किसी और कारण से, लेकिन आपको तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि वो रास्ता खुले और व्यापार और जो आवागमन है वो सब चले, उसमें तो हमारी एक भूमिका हमको करनी ही पड़ेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, पर वो तो है, उसके साथ में भारत ने तो हर तरह से मदद और के लिए, नेपाल तो ऐसा होस्टाइल हो गया है कि आज उसको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो सिर्फ भारत के कारण हो रहा है। तो यही ये हमारी कूटनीति की के लिए चुनौती भी है, और उसके ऊपर दारू की वो समझाए कि ऐसा नहीं है, पर काठमांडू बावजूद इसकी कोशिशों के नहीं समझ रहा है, तो ये हमारी कूटनीति की असफलता ज्यादा नहीं लगती? हमको यही लग रहा है कि हमारी राजनयिक विफलता इसको कहेंगे, मतलब नेपाल के मामले में बहुत ज्यादा राजनयिक विफलता हो रही है, हो रही है। देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारे जो साउथ ईस्ट या नीति हमारी जो है, हम अगल बगल के हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वो तो मालदीव से लेकर नेपाल सब तरफ किसी के साथ हमारा मतलब हो नहीं पा रहा ना। हम बड़े भाई तो हैं, हम सबसे बड़े देश हैं, सब कुछ है, लेकिन हम सबको मदद भी कर रहे हैं। अब नेपाल में भूकंप होता है तो सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री सबसे पहले उनको सूचना देता है, सबसे अधिक इमदाद हम देते हैं। मालदीव में भी पानी का संकट होता है तो हम भारत से ही करते हैं, व्यवस्था करवाते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद लोग होस्टाइल अगर हो रहे हैं, उस नाते ये पूरा नेपाल का संकट अगर है, चल भी लगातार बना हुआ, तो वजह उसमें एक भारत की कूटनीतिक विफलता भी उसमें एक बड़ा है। अगर हमने इसको ठीक से नहीं डील किया तो आगे और संकट बढ़ेगा, क्योंकि चीन तो उसकी निगाह है ना, नेपाल के जरिए वो भारत में अपना ऑपरेशन शुरू कर सकता है, इसके तो बार बार आशंका बनी ही रहती है। नेपाल हमारे SSB के लोगों को उठा के बंद कर दिया, हमारे जवानों को, ये तो सोचने वाली बात है, जो उसका सारा फोर्स और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री को बुनियादी तौर पर नेपाल की चुनौती को ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमको जापान, बुडापेस्ट और अमेरिका के बजाय नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार,
और भूटान तो खैर हमारे साथ है आज की तारीख में, लेकिन श्रीलंका पाकिस्तान इन सर इन देशों के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे मधुर और अच्छे रहे हैं, तो इस पर हमको ज्यादा फोकस करना होगा, बाकी तो ठीक है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ ट्विटर और facebook/nayaindianewspaper पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।